पश्चिम यूपी के 3 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर चुनावी जनसभा करेंगे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, होंगे शामिल। आरएलडी के प्रत्याशी मिथिलेश पाल के समर्थन में करेंगे जनसभा। छठ पर्व पर महिलाओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। प्रदेश के कई घाट पर अर्घ्य देने पहुंची थी व्रती महिलाएं। विधि विधान से छठ व्रतियों ने अर्घ्य देकर किया आराधना, जुटी हजारों की भीड़। एक चौथाई बजट भी नहीं खर्च कर पाए कई बड़े विभाग। सड़क, शहर और सेहत के महकमे बजट खर्च में थमे। 5 महीने बचे, 60% बजट खर्च करना होगा। प्रदेश में आम जनता से जुड़े कार्य के लिए दिया गया था बजट। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य महिला आयोग ने कई प्रस्ताव रखे। यूपी में लेडीज टेलर मर्द नहीं चलाएंगे। स्कूली बसों में महिला सुरक्षाकर्मी रखने का प्रस्ताव, साथ ही महिला जिम में और योगा सेंटरों में महिला ट्रेनर जरूरी। अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर एक्स पर किया पोस्ट, लिखा भाजपा ने अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था बना दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी काला अध्याय, एक पूरा का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के एक दिन पहले रुपया गिरा, कल रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया। रुपया कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। डीजीपी ने पुलिस अफसरों को तहरीर की जांच 2 हफ्ते में पूरी करने के दिए निर्देश। 3 से 7 साल तक सजा वाले अपराधों को लेकर दिए निर्देश, कहा ऐसे अपराधों की शिकायत पर थाना प्रभारी को तहरीर पर 17 दिन के अंदर जांच पूरी करने के दिए निर्देश। जांच पूरी न होने पर करनी होगी एफआईआर। वाराणसी में ज्ञान व्यापी परिसर से जुड़े मामले में वजू खाने के सर्वे की मांग को लेकर याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। याचिका में एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वेक्षण का किया था विरोध। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा को लेकर जिले से अयोध्या की तरफ जाने वाले वाहनों के रूट में किया गया परिवर्तन। 9 नवंबर से 15 नवंबर तक रूट डाइवर्ट होंगे। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी। जीआरपी के जवानों ने स्टेशन परिसर में सर्च अभियान चलाया, ट्रेनों के साथ साथ यात्रियों की भी चेकिंग की। 4 घंटे चला अभियान, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। विशेष सचिव विधानसभा ब्रजभूषण दुबे का निधन, बीती रात सड़क हादसे में हुआ निधन। बेटे के साथ गोरखपुर से लखनऊ लौटते समय अयोध्या के पास हुआ हादसा, हादसे में बेटे को भी आई चोट। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।